देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से देहरादून में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 दिसंबर के दिन विजय महासंकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1.25 लाख लोगों के एकत्रित होने की व्यवस्था की गई है। अपने एक दिवसीय दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, जिसके लिए परेड ग्राउंड में सीएम धामी से लेकर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राउंड में सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है, सुरक्षा घेरे बना दिए गए हैं। जनसभा स्थल पर दून मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेफ हाउस भी बनाए गए हैं, जिससे जनसभा के दौरान किसी की तबियत बिगड़ जाने पर तुरंत उपचार मिल जाएगा। रैली में आम जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम की इस रैली को लेकर लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां जोरों शोरों से पार्टी के द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में मौजूद है और कल यहीं से विजय संकल्प महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। एक बड़ा जनसभा यहाँ पर कल मौजूद रहेगी और परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहां भारी संख्या में मौजूद है, घेराबंदी कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पे किए जा रहे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो करीब 1.25 लाख लोगों को यहां पर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में सीटिंग अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे की गई है। चेयर्स यहां पे लगा दी गई हैं और घेराबंदी कर पीएम नरेंद्र मोदी कल यहां पे पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल देश के प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और 18,000 करोड़ की 18 विकास परियोजनाओं का न्यास और लोकार्पण वो करने जा रहे हैं। तो कल का दिन काफ़ी खास उत्तराखंड के लिए भी रहने वाला है क्योंकि 18,000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं उत्तराखंड को मिलने जा रही हैं और खुद प्रधानमंत्री यहां पर आके उसका शिलान्यास करेंगे और जिसके लिए पार्टी पूरी तरीके से यहां पर जुट चुकी है। निमंत्रण पत्र यहां पर लोगों को दिए जा रहे हैं पार्टी के द्वारा और कई दिनों से तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा जगह जगह पर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और खुद अगर हम बात करें तो बीते दिन यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पधारे थे और उन्होंने भी यहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही अगर इस वक्त की हम बात करें तो देहरादून के डीएम यहां पर मौजूद और लगातार निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक इसी मंच से अगर हम बात करें तो इस मंच से जो मेरे बगल में मंच आपको दिख रहा होगा, इस मंच से कल यहां पर पीएम मोदी बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। तो काफी खास ये दिन रहने वाला है और ऐसे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देहरादून शहर पोस्टरों से, बैनरों से और नुक्कड़ नाटकों से पूरी तरह से पट चुका है। जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के जरिए बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है पीएम मोदी की रैली को लेकर। विजय महासंकल्प रैली में कोई कमी न रहे, इसके लिए परेड ग्राउंड को सुरक्षा और साज सज्जा दोनों ही दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ा ऐलान भी करेंगे। इससे बढ़िया मोदी जी आ रहे हैं और क्या मिलेगा देहरादून को, कुछ तो जब आएंगे कुछ तो लेके जाएंगे। उम्मीद है कि जब आएंगे तो यहाँ पूरी घोषणाएं करके जाएंगे उत्तराखंड के लिए और हमारे लिए तो सबसे बढ़िया मोदी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है और आगे भी उम्मीद है कि मोदी आएंगे। कितनी महंगाई हो रही है आज के टाइम को देखते हुए, कितनी महंगाई का दौर है। पेट्रोल देख लीजिए, घर का गैस सिलेंडर देख लीजिए और सरसों का तेल वगैरह देख लीजिए, हर चीज़ पे महंगाई है। बस में चले जाओ आप, सफ़र कर लो, हर चीज़ पे महंगाई है। महंगाई पे कंट्रोल हो जाए तो हम यही चाहते हैं, मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि गरीब और आम आदमी को राहत मिल सके। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी रैली 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का एक बड़ा आगाज होने जा रहा है। संवाद 365 के लिए देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गढ़िया के साथ रेनू प्रीति की रिपोर्ट।